ठीक है, डॉक्टर एच एस रावत हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अयोध्या में भी 31 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी, ऋतु जी ने भी साफ कह दिया 31 तारीख को दीपावली मनाना शुभ रहेगा, अगर आपके नजरिए से देखें रावत जी, तो किस दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाए? क्योंकि कहा जा रहा है कि दो जो संयोग है वो होने चाहिए साथ, तभी दीपावली जो है वो शुभ मानी जाएगी, यानी कि वो शुभ मुहूर्त होने चाहिए। बिल्कुल पूजा जी, देखिए बड़ा साइंटिफिक तरीके से हम विश्लेषण करेंगे और मैं 11 ऐसे प्रमाण दूंगा आपकी टीवी के ऊपर, जैसे कभी हनुमानगढ़ी के हमने जी ने दिया और रीतु सिंह जी विद्वान है उन्होंने पूछा। जो हवाला पंचांग दे रहे हैं, मेरे पास में ये धर्म सिंधु है जिसको हम तय करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मेरे पास ये निर्णय सिंधु भी रखा हुआ है जिससे हम ये तय करते हैं कि इनमें लिखा हुआ क्या है। मेरे पास पिछले 4 साल के यानी 5 साल की दिवालियों के ये पंचांग है, ये रहे, यानी ये पंचांग है सारे, इनको भी मैंने रिसर्च कर रखा है सब, यानी इस बार तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए ना, तो पता नहीं कौन क्या पूछ सकते हैं, तो विद्वानों के सामने तो तैयारी के साथ आना पड़ता है जी जी। अब मैं अगर पिछले पंचांग की बात करता हूँ तो पिछले पंचांग के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था इन्होंने, और मैं वो बता देता हूँ, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि 31 को एक और फिर क्यों उसका विश्लेषण, कल को कोई वैज्ञानिक, कल को कोई विदेशी ये ना कह दे कि हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान राम की बड़े मंत्रों के साथ हुई थी, लेकिन दिवाली क्यों गलत मना रहे हैं, क्या चक्कर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप अगर देखें, यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने इसको ग्रीन ग्रीन किया हुआ है, ये पंचांग पिछले साल का है, ये पंचांग महोदय लिख रहे हैं कि श्री महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली का महापर्व कार्तिक अमावस्या में, कार्तिक अमावस्या में प्रदोष काल एवं अर्धरात्रि व्यापनी हो तो विशेष रूप से शुभ होता है। इसका मतलब पूजा जी ये है कि दीपावली के दिन अमावस्या होनी जरूरी है, प्रदोष काल यानी 3 मुहूर्त का प्रदोष काल होना जरूरी है और अर्धव्यापनी अमावस्या होनी जरूरी है, और ये चारों पांचों कॉम्बिनेशन बनते हैं 31 अक्टूबर को। अच्छा। 31 अक्टूबर को 3:53 के बाद में अमावस्या शुरू होती है, उसके बाद में हमें प्रदोष काल पूरा मिलता है, हमें निषीद काल पूरा मिलता है, महानिषीद काल और अर्धव्यापनी जिसमें महानिषीद काल है जिसमें तांत्रिक लोग जो पूजा पाठ करते हैं और तबीज गंडे वगैरह इन सब की और साथ में मंत्र सिद्धि की साधना महानिषीद काल में होती है, वो भी हमें मिलती है और वृष लगन स्थिर लगन भी हमें मिलती है। इन सब आंकड़ों को देखने के बाद 31 तारीख परफेक्ट आती है। अब गलती पूजा जी कहाँ हो रही है इसमें, यानी ये 5 दिन का त्योहार होता है, 5 दिन के त्योहार में अगर मान लो किसी टाइम पे भैया दोज ना आ रही हो उदय तिथि में, तो भैया दोज को सेट करने के लिए एक तिथि को हम कहीं ना कहीं डंप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, या कभी नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली में 6 हो रहा है तिथि का, या दिवाली दिन तिथि का 6 हो रहा है, पिछली साल से पिछली साल उस समय पर दिवाली पर ग्रहण था तो ग्रहण वाले दिन दीपावली ना बना करके उससे 1 दिन पहले दीपावली मनाई। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 29 अक्टूबर को यह धन त्रयोदशी है, 30 अक्टूबर को पंचांग वालों ने खाली छोड़ दिया जबकि 30 अक्टूबर को छोटी दिवाली होनी चाहिए थी और 31 अक्टूबर को बड़ी दिवाली होनी चाहिए थी, 1 नवंबर को यानी यहाँ हमारा गोवर्धन पूजा का विधान बनता था और 2 नवंबर को हमें प्रतिपदा और वो मिलती नहीं, तो 2 नवंबर को छोड़ के 3 नवंबर को अगर हम जैसे के भैया दोज मनाते तो परफेक्ट हो जाता। कभी भी प्रतिपदा के अंदर, कभी भी प्रतिपदा में दिवाली नहीं मनाई जाती, लेकिन ये जिद का मामला आ गया है, कुछ विद्वानों की नाक की जद का मामला आ गया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई है कि आप सिर्फ 44 मिनट प्रदोष काल मिलता है हमें 1 नवंबर को, 44 मिनट, जबकि पंचांग यही पंचांग हमें कह रहे हैं कि 3 मुहूर्त पंचांग का मतलब होता है कि पूरे 2 घंटे 24 मिनट सूर्य अस्त के बाद में हमें प्रदोष काल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। 44 मिनट के ऊपर हम प्रतिपदा को लेकर के हम दिवाली मनाएं
और दिवाली के अंदर कोई तांत्रिक आदमी कर ही नहीं सकता पूजा, और ना ही किसी प्रकार की गंडा ताबीजों की कहीं सिद्धि होती है। इसलिए वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित अगर समझा जाए और हमारे जो शास्त्र हैं उनके प्रमाणों को समझा जाए तो पूजा जी दिवाली 31 अक्टूबर को परफेक्ट बनती है, इसमें किंतु परंतु करने की कोई जरूरत ही नहीं बनती। चलिए बहुत बेहतर। देखिए तीन कह सकते हैं कि तीन लोगों का जवाब जो है उनका यही है कि 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए दीपावली।